मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की खिलचीपुर शहर की करीब 80% आबादी काफी समय से चाहे सर्दी गर्मी या बरसात के मौसम में पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। यहाँ दूध की तरह पानी बिकता है। खिलचीपुर की कुल जनसंख्या 20,000 है और इस शहर में करीब 2200 से अधिक नल कनेक्शन है, लेकिन नलों में पीने योग्य पानी नहीं आने के कारण शहर के अधिकांश पैसे वाले लोग कैन का पानी खरीद कर ही पी रहे हैं। वहीं गरीब जनता पीने के पानी के लिए दूर दूर तक भटकती है। खिलचीपुर शहर में करीब 5 साल 3 महीने पहले मुख्यमंत्री पेयजल योजना क्रियान्वित हुई थी। योजना को ठेकेदार ने 1 साल में पूर्ण कर देना था, पर आज 5 साल 3 महीने हो गए लेकिन योजना पूर्ण नहीं हो सकी है। ठेकेदार द्वारा बग्गा बैराज पर वाटर डिस्चार्ज 49 LPS पानी आना था, उसकी जगह आधा पानी ही जल यंत्रालय पर आ रहा है। न तो फ्लो मीटर लगा है, जबकि मोटर का भुगतान 1 जुलाई 2017 में 95% ले लिया है, पर ठेकेदार ने आज तक मोटर नहीं बदली, जिससे योजना पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। DPR में स्पष्ट उल्लेख है कि 49 LPS पानी प्रदाय करना था। योजना के घटकों में डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य अधूरा पड़ा है। लेबोरेटरी एवं केमिकल हाउस द्वारा जल प्रदाय शुद्धिकरण का काम पेंडिंग पड़ा है। अस्पताल की टंकी की लाइन नहीं जोड़ी है। कालाजी की बाड़ली वाली टंकी लीकेज है। प्रदेश के जल प्रभारी HS खान 28 फरवरी को आकर देखा था, इसमें कई कमियां निकाली थी, लेकिन उसमें भी आज तक कोई सुधार नहीं किया गया है, जिससे लोगों को पेयजल का लाभ नहीं मिल सका। कम से कम 20-25 सालों से पानी का पीने कभी नहीं। तो फिर जनता क्या करती है नगर की? कुछ नहीं करती है। नहाने धोने का पानी आता है नल में, तो नहाने धोने का आता है जो आप खरीदती भी क्या नगर में? हाँ, पानी पीने का खरीदती है ना। कितने परसेंट खरीदती है यहाँ की जनता? 90% से ज्यादा। और 10% जो जनता है वो इधर उधर से पानी लाते हैं बेचारे। वो कहाँ से लाते हैं? कहीं कुएं से, कहीं से ट्यूबवेल से, कहीं से जो भी कोई पानी की व्यवस्था होती है। जैसे अभी नामदेव दर्जी समझ धर्मशाला में से नामदेव वालों ने व्यवस्था कर रखी पानी पीने की, यहाँ से भर ले जाते हैं बाकी लोग। खिलचीपुर में जहाँ तक बात करें तो नगर पंचायत नगर परिषद में पेयजल आवेदन की योजना स्वीकृत है और काम चल रहा है, परंतु विगत कुछ समय से उसके काम में प्रगति नहीं आ रही है। आचार संहिता लागू होने की वजह से कुछ काम लगे हुए तब उसको ध्यान देकर उन पर काम कराकर खिलचीपुर की जनता को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पानी खरीद कर पी रही है। आपके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि पिछले 5 साल से इसका कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन आज तक ये कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया है और कुछ केसेस में ठेकेदार को काफ़ी चीज़ों का भुगतान भी हो चुका है, जबकि वो कार्य धरातल पर नहीं अचीव किया गया है। तो इसमें मैं नगर पालिका के साथ एक रिव्यू मीटिंग करके जो भी इसमें इनके द्वारा अगर अनियमितताएँ की गई हैं और जो भी लैक्सिटी बरती जा रही है जिस वजह से कार्य समय पर संपादित नहीं हो पा रहा है और लोग पानी से वंचित रहे हैं, तो उस पर तदनुसार इसको कंप्लीट जल्द से जल्द करवाने की कार्रवाई और जो इसमें जो 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 दोषी हैं इसको समय से कंप्लीट नहीं करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की।